नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बन गई है, वहाँ सेना भी खड़ी हो गई है आतंकवादियों की, और सबसे बड़ी बात, जितने सारे बड़े बड़े आतंकवादी थे वो सब मंत्री भी बन गए हैं। तो लूज टॉक में आज हमने सोचा कि उस शख्स से बात की जाए जिसके ऊपर अफगानिस्तान की रक्षा की जिम्मेदारी है, मतलब ये डिफेंस मिनिस्टर। तो आज कैपिटल टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ अफगानिस्तान के आतंकी डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। आपकी आवाज़ ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बोलिए। आप तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, क्या इसकी वजह से आपको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया? किसके बोले आप? मुल्ला उमर, तालिबान के संस्थापक। वो डॉक्टर साहब चक्कर पता है क्या यार? मैं आपको बताते, हम लोग 18 भाई हैं। 18 भाई हैं? हाँ, बहने अलग हैं, तो पता नहीं लगता कि कौन किसका क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और उसी वजह से मेरे को यहाँ पे वो मिला है। तो आप ये बताइए कि भाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था आपस में कि कौन क्या मंत्री बनेगा, तो आपकी खासियत क्या है जिस वजह से आपको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया? दो खासियतें। पहला, जैसा मैं बोलता है वैसे ही सॉफ्टली बोलता है मैं, और दूसरा ये कि 4 जने और लाइन में थे मेरे, उन सबको मैंने अच्छा साफ कर दिए। तो जो जो कॉम्पिटिटर थे आपके, आपने उसको साफ। मेरा अभी है, देखिए क्या है ना, यूं पकड़ के कर 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 ऊपर जाके जो करना है कर यार, नीचे क्यों कर रहा है तू, वैसे कर देता है। तो हत्यारे हैं आप, और यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है? आपको पता नहीं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हॉबी किस किस चीज़ की होती है। बच्चे क्या करते हैं, गर्दनों का गर्दन उड़ा करके फुटबॉल खेलते हैं, तो वहाँ पर कल्चर ही ऐसा है। हमारे यहाँ तो सरकार बने में इतना टाइम जो लग रहा है, वो इस वजह से ही लग रहा है कि सरकार बन भी गया तो करेगा क्या यार, वो प्रॉब्लम। तो ये बताइए, सच बताइए कि अब तक आपने कितने लोगों की गर्दन जो है अपने हाथों से काटी है? देखिए हमारे तो आप बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। 70 से 80 लोग। 70 से 80 लोग उसको अपने हाथों से आपने? हाँ, 70 से 80 अपने हाथों से। मेरा, मैं आपको बोला ना, मेरा मन करता है किसी को देख रहा हूँ बदतमीजी हो रहा है, अपने आप उसका गर्दन आता है और मैं उसको बातर हूरों के पास भेज देता हूँ, वहाँ जाके कर बदतमीजी। तो आपको लगता है कि यही इसी खासियत की वजह से आपको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया? और क्या, अब देखिए ना, उनको पता है कि अगर हमारे मुल्क की तरफ किसी ने गंदा नज़र करके देखा तो मैं साफा चट कर देगा। मैं बोले मेरे को बंदूक का भी ज़रूरत, आपके यहाँ लेकर के आया था, सिक्योरिटी ने रखवा लिया। बोले कि बार रख, मैंने, मेरे को वैसे भी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर साहब तो दोस्त हैं। अब ये बताइए कि सुना है कि आप लोगों ने पत्रकारों को मारना पीटना शुरू कर दिया है? एक तरीका होता है, आप देखिए, आप पूछ रहे हैं, आराम से बात करें यार। आपने बोला कितना मारा, मैंने बता दिया। वो बोला आपको बताना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली हमारे पे बताइए कितने मारे कितने मारे कितने। मैं बोला यार पानी तो पीने दे यार, पानी पीते पीते पूछे जा रहा, बोले जा रहा। फिर वो बोला ही नहीं। ये अजीब स्थिति है, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप बताइए। इतना पेशेंस होता तो सरकार पहले नहीं बन जाता, पर आप देखिए लोग जब हमारे अंदर होंगे ऐसी ऐसी जगह उंगली कर कर के पूछ रहा, कभी माइक घुसेड़ रहा, कभी बोला ये लेफिल लगेगा, ये जो आपने लगाया लेफिल लगाओ, ये करो, तेरे बाप का नौकर हूँ यार मैं, सीधा सीधा बता रहा, पूछ रहा ढंग से तो पूछ, ये एकदम सूट बूट में आप अपना तमीज से पूछ रहे, वो पूछ रहा है बताओ 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 बताओ,
इतना मेरे को आवाज सुनने का आदत नहीं, मैं तो खामोश कर दूं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप ISI के जो चीफ थे उसके आप एक कठपुतली है, इसलिए आपको बना दिया गया। देखिए सर, क्या बातें तो होता ही रहता है। अब देखो, मैं अगर नहीं बनता तो उन चारों में से कोई बनता, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बोलते, ये लादेन का आदमी, ये दाऊद का आदमी, ये फलाने का आदमी, ये धमाके का आदमी। मैं तो सिर्फ अपनी बेगम का आदमी हूँ सर, मैं इस बात को मानता ही नहीं कि कोई बोलता ये सही आई। अच्छा, चलिए, आपने बेगम के बारे में कह दिया, कितनी बेगमें हैं आपके पास? 2, 4, 8, 9, 12। देखिए, हमारा ऑफिशियल तो 4 होते हैं। ओके, ठीक है, और बाकी जहाँ दिल आ जाता है वहाँ हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब कोई काउंटिंग की? इसी वजह से तो हमारे यहाँ पर औरतों को ऐसे रखते हैं, बुरके में रखो, वो उनको डर होता है डॉक्टर साहब कि कहीं ये ना वो छेड़ रहा है। पहले तो छेड़ने पे गया, अगर छेड़ रहा है तो वो बोले कि अंदर अपना माल ना, वजह से वो छेड़ता भी नहीं। पर अगर जिसका नकाब उठ गया और हमने देख लिया तो बस फिर आपको पता है, दिल है, दिल तो बचा है, आपको पता है। अब ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने तालिबान को बहुत सारी मदद दी, उसको आपको सारे हथियार दिए, ट्रेनिंग दिया, सारा कुछ किया, वो सारा क्रेडिट पूरी दुनिया में घूम घूम के ले रहे हैं। लतीफा अच्छा मारता है आप। लतीफा है? लतीफा ही तो है यार, बताइए क्या। इमरान खान तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ के कह रहे हैं कि भाई हमारी वजह से तालिबान है, अदरवाइज तालिबान को कोई पूछता नहीं। खुद का बीवी तो उसका पूछता नहीं, हम सब दुलवाने आता है। अब देखो, से बड़ा लतीफा हमने सुना नहीं यार। आप देखो डॉक्टर साहब, जिनको हमारे पास कभी पैसे का कमी नहीं रहा, छोटा छोटा आँख वाला लोग हमारे को पूरा मदद करता है, पैसा भेजता है, क्या बोलते हैं, डॉलर में बेचता है, ऐसे बेचता है, वैसे बेचता है, उनका पूरा का पूरा बंदोबस्त है। ये क्या इमरान खान क्रिकेट खेल लिया, बहुत खेल लिया, वो चल मतलब पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो भी हमसे। मेरे को ये लग रहा है आपने पूछा था ना, 60-70 हो गया, ये एक आध और निपटेगा वो पाकिस्तान से और ये ही जाएगा। आपने भी ये छोटी छोटी आँखों वाले की बात की। हाँ, ये कौन है, ये चाइनीज के बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही, मैं आपको वही बोल रहे हैं। कम से कम इन लोगों का पता तो है क्या कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा बात है डॉक्टर साहब, इनका ये नहीं पता लगता कि इतना, अगर आंखें बंद है आपको पता लग रहा है, मैं आपकी तरफ देख रहा, आपका कैमरा वाले की तरफ देख रहा, इनका पता नहीं लगता, इसलिए बच जाते। हमें बोला पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मिलेगी, डॉलर चाहिए, डॉलर मिलेगा, जो चाहिए बोलो ना यार, आपको क्या चाहिए वो मिलेगा, और जिस रास्ते से बोलो, पानी से बोलो, हवा से बोलो, जहाँ से बोलो, आपको मिलेगा। तो जब हमको मिल रहा है तो हमें पाकिस्तान जैसे होगा, क्या ज़रूरत है आप बताओ। नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि नहीं कि भाई चाइनीज़ अगर कहीं पैसे देता है तो फिर उससे बहुत ही ज़्यादा रिकवर भी कर लेता है, उससे छीनता भी है, बहुत सारी समस्याएँ भी खड़ी होती हैं। एक बात बताइए, एक आदमी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने डिटेक्ट कर दिया कि यार तेरे को कैंसर है, तू जाने वाला है, और वो आदमी जो है उसके पास इलाज का भी पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, सबसे इकट्ठा करता है, भाई 10,000 तू दे, 10 तू दे, इकट्ठा करता है, और उसके बाद वो इलाज कराते कराते निकल जाता है। तो किससे मांगेगा आप, किससे मांगोगे, वो किससे मांगे, मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो निपट गया। उसी तरीके से हमारा पॉलिसी है कि सबसे इतना उधार ले लो, चाइना से इतना उधार ले लो, अपने बाप से मांगेगा जब हम तो निपट ही जाने हैं, आपको पता ही है। तो आपको लग रहा है कि आप चाइनीज से पैसा भी ले लेंगे, उनको वापस भी नहीं कर? आप बताइए मुझे कि जिन्होंने पैसा उसका वापस कर दिया, इंटरेस्ट जो होता है उसके अंदर ही मार देता है ये चाइनीज ने। हमने कहा कि यार तुम्हारे ऊपर भी किसी ने, चाइना वालों के ऊपर भी किसी ने इंटरेस्ट का भार रखा हुआ है, तभी सबका इतना इतना खुलता है, यूं यूं करता है। मैंने कहा एक बार तो हमें देखे तो देख, उसके बाद तेरे को पता लगे किसको दिया पैसा। खैर, ये तो इमरान खान की बात हो गई, चाइनीज की बात हो गई। अब ये बताइए, दिल्ली में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये मोदी सरकार जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो आप लोगों से खुश नहीं है, तो आपको डर नहीं लगता कि भाई हिंदुस्तान नाराज़ हो गया, प्रधानमंत्री मोदी नाराज़ हो गए, ये अजीत डोभाल नाराज़ हो गए,
तो आप लोगों की सेहत में कुछ फर्क पड़ सकता है? अरे बिरादर, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपके इंटरव्यू क्यों देने आया? मैं इस वजह से तो कहा कि हमारा तो इतना क्या बोलता है, जब कपड़ा फटता है, हाँ वो फट, वो दूसरा वर्ड उठा लो, है ना, इतना ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें को पता है उस बंदे ने, वो कौन सा है, वो राफेल इतने सारे मंगा करके रख लिए कि तीन जगह न्यूट्रल करके मारेगा तो एक जगह पाकिस्तान उड़ जाएगा, एक जगह हम लोग उड़ जाएगा। उसका तो इसी वजह से हम लोग, हमको रक्षा मंत्री बना। मैंने कहा ओए चूजो, सबकी तरफ मुंह कर लेना, चाहे वो पाकिस्तान है, चाइना है, ये है, वो है, फलाना है, दिमाग मार, इंडिया की तरफ मत करने। जो अपना पायलट को वापस जिंदा ले आए, आप बताइए फिर वो क्या नहीं कर सकता है डॉक्टर साहब, क्या नहीं कर सकते? अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमारे हिंदुस्तानियों को वापस लौटा दो, क्यों वहाँ पे आप उनको छोड़ नहीं रहे? मैं आपको बताता है हुआ क्या है। ये किसी माफी चाहेगा, खबीस के बच्चे ने क्या किया। अब एयरपोर्ट पे आपको पता है कैसा मसला हो रहा है, कुछ अफगानी भी वहाँ पर इंडिया का कपड़ा पहन कर आ गया, और वो जो है इधर उधर प्लेन में घुसने लगा। हमने कहा आईडी, हमारे बांधों ने आईडी मांगा, आईडी नहीं था उसके पास, आईडी उसका था अपना अफगानिस्तान का, तो पकड़ पकड़ के चप्पल से पेला है उसको। तो फिर हमने एक काम करा, हमने कहा यार एक काम करो, एक बड़ा रूम इकट्ठा करो और उसके अंदर इन सबको घुसेड़ो। तो एक अफगानी ने मुखबरी कर दिया कि हम लोगों ने उन लोगों को बंदी बना लिया है। हम खुद तो बंदी बन नहीं पाते, बंदे आए और बंदे ही जाएंगे, किसको बंदी बनाएगा। हमने इकट्ठा किया था कि एक आटा चढ़ जाओ हिंदुस्तान के लिए। अब वहाँ पे देखो वो, फिर वो आपस में भीड़ भी गया, वो लोग आपस में चल रहा है, उनका लाद कुसा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है कि तू ऐसा तू ऐसा। हमने कहा बंद रहो, थोड़े दिन बंद रहो यार, अल्लाह के वास्ते बंद रहो, हमारे पे वैसे टेंशन है, तुम्हारे पे ना निकल जाए। तो ये करके हमने उनको एक जगह रोका है, फिर आप इकट्ठे भेजेगा? सर हम पागल थोड़ी, मोदी से पंगा थोड़ी ली। अब ये बताइए मुझे कि कई सारे लोग ये अब ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने अमेरिका के साथ डील की दोहा में और 9/11 को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, भाई इतने सारे लोग मारे गए, आप लोग तो फिर वही तालिबान का वही रूप, वही चीज़ जो 1995 में था, कम से कम लोगों की मौत के ऊपर तो जश्न ही मनाना चाहिए आपको। आम किसी का मौत के ऊपर जश्न नहीं मना रहे डॉक्टर साहब। आप देखिए, हम उससे पैसा उधार लिया, हम उससे पैसा लिया, आपने जैसे वो हमने लिया दोहा में खड़े होके हमने लिया, पर हम उसको ये भी बताना चाहता है कि भाई अमेरिका होगा तू अपने घर का, अपने घर का अमेरिका यार तू, पर हम जो है तालिबान जिया, तालिबान ही मारेगा, इसलिए हमने उसको सेलिब्रेट किया ताकि उसके आँख में वो रहे कि नहीं ये जो बंदा है बात सही करता है यार, जिस जो करता है वो करता है ढंग के की चोट पे करता। अब मुझे बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बार जो तालिबान आया है उसका चाल चरित्र चेहरा बदल गया है, वो पहले वाले की तरह नहीं है, पहले वाले सब खूंखार होते थे, वो बाकायदा सबके ऊपर अत्याचार करते थे, अभी जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये जब आप सुनते हैं आपको हंसी नहीं आती? पहले तो उन लोगों को पकड़ के लाओ डॉक्टर साहब, जो ये कहते हैं। अब एक बार बताओ, आपके सामने मैंने 70-80 कबूला, हाँ, जो हम सॉफ्ट है तो 70-80 कबूल रहे, और जो फिर वो मतलब दूसरे वाले तो फिर वो तो 150-200-300-500। अच्छा था क्या है भाई, हम क्या सब आपस में लड़ के मर जाए और पाकिस्तान हम पे कब्जा कर ले, क्या चाहते हैं लोग? देखो ये लोग जो कह रहे हैं कि आप लोग बदल गए हैं, क्या वाकई में बदल गए हैं? एक बार उनको भेजो सर, भेजो आप, मैं बोल रहा है, एक बार आ जाएगा ना, उसके बाद तालिबान ऐसी ऐसी जगह पर उसके बम फीट का ऐसी ऐसी जगह से गोली मारेगा कि उसको पता लग जाएगा कि नहीं ये तो वो का वही है, वैसा का वैसा ही है। ये लोग ना तो बदला ही है, ना बदलेगा, ना बदल सकता है, सिर्फ बदला लेना जानता तो बस वो बदला लेता। अब ये बताइए कि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि भाई जो महिलाएं हैं उनको अधिकार मिलेंगे, आपकी सरकार आ गई, आपने कह दिया कि भाई शरीयत कानून लगेगा
और महिलाएं जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। ये महिलाओं से इतना डरते क्यों हैं आप? और ये मैंने आपको क्या बोला था कि चार ऑफिशियल है, बाकी और सात आठ और है, ठीक है? तालिबान तालिबान बना क्यों, मैं आपको बताता है वाकई में क्यों बना। एक बंदे का मान लीजिए, याकूब का औरत बाहर गया, उधर से सलीम का औरत बाहर गया, सलीम ने याकूब की औरत के ऊपर गलत नज़र से देखा, और देख बल्कि वो सलीम की औरत रही थी मेरे को गलत नज़र से, हो गया पंगा, निपट गया सलीम। इस तरीके से लड़ाई झगड़ा जो है चलते 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 कांदानों का कांदान निपट गया। तो इसलिए आपने कह दिया कि भाई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली? बाहर नहीं, नहीं, ना बाहर निकले ना फसाद होगा। देखिए देखिए, ये तो आपका यहाँ भी होता है ना, जर जोरू जमीन, हमारे यहाँ तो जोरू जाता है, जमीन तो है ही नहीं, और जर का तो पूछो ही नहीं, वो तो हमें दे देते हैं लोग, अमेरिका हर चीन दे देता है हमको। तो आपको बड़ा मजा आ रहा है ना कि भाई अमेरिका को आप लोगों ने बेवकूफ बना दिया? बेडन को चू मतलब बेवकूफ बनाया। अगर ट्रंप होता, हमारा एम तो ट्रंप को बेवकूफ बनाना था, पर वो निकल गया सुनहरी बाल वाला, मेरा बड़ा उससे मेरे को उसका शक्ल पसंद नहीं था, ऐसा लगता किसी ने पपीते पर घूसा मारा है, पसंद नहीं। तो अब ये बताइए, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर आप तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, पूरे अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अब बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो ड्यूरल लाइन है उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई कोई अफगानी इधर नहीं आ सकते, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये मसला सुलझेगा कैसे? मैं बताता है कैसे सुलझेगा आपको, मैं अंदर का बात बता रहा है, डिफेंस मिनिस्टर है मैं। एक दिन जब आप सुबह उठेगा तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान भी तालिबान का हिस्सा हो गया। मैं समझा नहीं। हमने इतना पैसा ले लिया है, इतना असला बारूद इकट्ठा कर लिया है, इतना मशीनरी ले लिया, इतना बम्स ले लिया, इतना गन्स ले लिया है कि ऐसी ऐसी जगह मारेगा उनके कि समझ में आ जाएगा कि कौन बॉस है। आप बताइए, जब उनके मुल्क का बंदा, छोटे से छोटा बंदा परेशान, एक एक बंदे के ऊपर डेढ़ डेढ़ लाख रुपये का कर्जा है डॉक्टर साहब, डेढ़ डेढ़ लाख रुपये का कर्जा, तो वो खुद चाहते हैं कि मरे ये। तो मतलब ये कि आप जिस तरह से अमेरिका को आपने धोखा दिया, पाकिस्तान को भी धोखा देंगे? बिल्कुल सही समझा आप। जब उसने कम धोखा दिया यार, हमसे बोल रहा है कि ये करा लो, हमसे वो करा लो, हमको ही धोखा दे रहा है यार, अपने बाप को धोखा दे रहा है यार, तो वो तो मरेगा ही मरेगा। देखिए बस, देखिए आगे आगे होता ही क्या। अब ये बताइए कि आगे क्या आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से अफगानिस्तान को आगे लेकर के जाएंगे? उसी चक्कर में तो तीन चार निपट गए डॉक्टर साहब, समझ नहीं आ रहा हमसे। देखो, मरवा लो किसी को, पिटवा लो, घुसवा लो, नेस्त नाबूद करवा लो, ये इकोनॉमी डेमोक्रेसी, ये हमें समझ में नहीं आता, इसलिए मिस्टर मोदी से हम थोड़ा क्लास वगैरह लेना चाहते। और हम हाथ जो बढ़ाया है कि यार हाथ मिलाओ आप, तो वो आपके थ्रू बढ़ाना चाह रहा है, आपके प्रोग्राम में इसलिए आया कि भाई बैठेगा, बात करेगा, हमें बताओ यार ये डेमोक्रेसी क्या होती है यार, लोगों को चैन से जीना कैसा होता है, आगे कैसे बढ़ा जाता है, बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर क्या होता है, ये सब चीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे से बातचीत की, लेकिन हम आपको इस चीज़ की बधाई नहीं दे सकते कि आप अफगानिस्तान में सरकार बनाने में कामयाब हो गए, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, ऊपर वाले से तो यही मैं मनाऊंगा कि जितनी जल्द आपकी सरकार ख़त्म हो जाए उतनी बेहतर हो। चलिए, जो भी आप बोला अच्छा बोला, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अफगानिस्तान के नए नए बने डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब। अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए आप कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।